हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक और न्यू ब्लॉग। तो फ्रेंड्स, फिर से आ गई हूँ मैं आप लोगों के साथ वीडियो का पार्ट टू लेके। मैं देखिए यहीं से वीडियो एंड की थी, फिर से मैं यहीं शुरू की हूँ। तो यहाँ भांजा जो है बैठ गया है पूजा में, और यहाँ घर की मतलब दीदी के जो घर की गांव की जो लेडीज़ लोग हैं वो लोग आई थी, तो यहाँ बैठी थी। फ्रेंड्स, आप लोगों को मैं दिखाई थी पिछले वीडियो में। तो यहाँ देखिए जो है पंडित जी मतलब कि नहला धुला के पीले वस्त्र में मतलब कि बेटे को जो है बैठाए हैं और पूजा पाठ अब शुरू करवाए हैं, जो भी नियम से जैसे भी हो रहा है अब इसी तरह से अपना करवाएंगे। यहाँ देखिए कुल्हड़ में चावल और मतलब वो जनेऊ सब रखा गया है। तो यहाँ देखिए जो है पांच लोग मिलके जनेऊ पहले पहनाएंगे। तो यहाँ देखिए मतलब कि मामा नाना लोग हैं और जीजा जी थे, तो मतलब पांच लोग मिलके जनेऊ पहनाए, कि चार लोग पता नहीं याद नहीं आ रहा है मुझे, चार या पांच लोग मिलके जनेऊ पहनाए थे। फ्रेंड्स, तो पहले तो एक बार ऐसे ही पहनाया जाता है यज्ञ पवित्र संस्कार के टाइम। और यहाँ देखिए जैसे मतलब कि ना ये है कि 12 साल से 16 साल तक के मतलब बच्चों का किया जाता है, लेकिन यज्ञोपवीत संस्कार नियम यही है। लेकिन अब कहाँ लोग करते हैं, अब तो मतलब कि थोड़ा बड़े हो जाते हैं, शादी करने के लायक जब होते हैं बच्चे तभी यज्ञोपवीत संस्कार लोग करवाते हैं, पहले फिर शादी होती है। अभी तो इसकी शादी फिक्स नहीं हुई है, लेकिन फिर भी यज्ञोपवीत संस्कार दीदी जीजा करवा दिए हैं, जब शादी होगा तब देखा जाएगा। फ्रेंड्स, तो यहाँ देखिए मतलब कि घर की महिलाएं लोग बैठी हैं, तो मतलब बहुत ही अच्छा लगा। मैं भी फर्स्ट टाइम मतलब कि आई थी दीदी के यहाँ और इतना टाइम मैं बिताई। तो यहाँ देखिए जो है पंडित जी ना मतलब कि भांजे को कुछ मंत्र वंत्र बता रहे हैं, ये पता नहीं क्या मतलब जो भी नियम कानून है जनेऊ पहनने के बाद जो भी जैसे होता है उसे बता रहे हैं यहाँ कान में। तो यहाँ देखिए जैसे मतलब कि लोग भिक्षा मांगने जाते हैं ना, तो ये होता है। तो देखिए मतलब कि उस वस्त्र में यहाँ देखिए दीदी और भाभी ये लोग खड़ी हैं भिक्षा देने के लिए। तो पहला भिक्षा जो है ननिहाल से जो आया रहता है वही मतलब माँ देती हैं। तो ये देखिए खड़ाऊ पहना हुआ है ये, और खड़ाऊ पहन के ये चल नहीं पा रहा है, तो नंबर वाइज सब लोग। तो पहली भिक्षा ननिहाल का माँ के द्वारा दिया जा रहा है, तो दीदी जो है ये दे रही हैं भिक्षा, और ऐसे ही सब लोग देंगे। फ्रेंड्स, मैं नंबर वाइज सबको दिखाऊंगी। प्लीज़ आप लोग वीडियो की स्किप मत करिएगा, वीडियो में बने रहिएगा, और जो भी नए आए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए फ्रेंड्स वीडियो को। तो यहाँ देखिए इस तरीके से जो है दीदी पहला भिक्षा मतलब कि माँ के हाथों से हुआ, फिर उसके बाद जो है नंबर वाइज सब देखिए ये जो है बड़े भाई साहब हैं हमारे मतलब जेठ जी, यही डिस्ट्रिक्ट जज हैं, तो ये दूसरा भिक्षा ये दिए, और उसके बाद ये हैं मतलब मेरे हस्बैंड, तो अब इनके हाथों से दिया गया है मतलब मम्मी के मतलब माँ दीदी के बाद, फिर मामा लोग दे रहे हैं भिक्षा, उसके बाद फिर नाना नानी का टर्न आ रहा है, नाना नानी अभी नहीं दिए हैं। तो नंबर वाइज सब लोग दे रहे हैं। ये देखिए मतलब पिताजी हैं, नाना जो भांजे के लगते हैं हमारे ससुर जी, तो ये भिक्षा दे रहे हैं। तो नंबर वाइज सबका मतलब कि ले के आना फिर जाना, मतलब बहुत बेचारा परेशान हो गया था, खड़ाऊ पहन के चल नहीं पा रहा था, तो बाद में ना खड़ाऊ निकालना पड़ा इसको। और यहाँ देखिए अम्मा भाभी ये लोग दी, और सबसे लास्ट में मैं दी हूँ, फिर इनके घर वाले सब दिए हैं। तो बहुत लोगों ने भिक्षा दी, तो मैं सबका वीडियो तो नहीं शूट कर पाई हूँ क्योंकि बहुत ज़्यादा लंबा हो जा रहा था वीडियो फ्रेंड्स। तो ये देखिए जो अब ना अब ये मतलब कि गुस्से में मतलब नियम है मतलब ये होता है कि नाराज़ हो के चले जा रहे हैं, तो फिर कोई मनाने जाता है तो मना के लेके आता है। तो यहाँ देखिए जो है वो अब नाराज़ हो के भांजा जो है बाहर चला जा रहा है, मतलब ये किया जाता है एक रस्म है ये। तो यहाँ देखिए जो है मेरे हस्बैंड जो है मतलब कि इनके मामा लोग मतलब कोई मनाने जाता है मामा नाना, कोई ज़्यादातर मामा ही लोग मनाते हैं। तो यहाँ देखिए लोग मना के जा रहे हैं, बल्कि हम लोग हंस रहे थे कि जब गुस्सा होके जा ही रहे थे तो थोड़ा दूर और चले गए होते, बस बाहर से ही चले आए तो ये होता है रस्में, मतलब अच्छा लग रहा था। और अभी देखिए अब इसके बाद जो है हम लोग घर के अंदर चल रहे हैं, तो फिर यहाँ से फिर अब मतलब ये बाहर हैंड पाइप के पास लाया गया, और इसका ड्रेस बेचारे का शर्मा भी रहा था, और फिर भी वीडियो मुझे शूट करना पड़ा, मतलब स्टेप बाय स्टेप सारे रस्में मुझे दिखाने पड़े। तो ये देखिए इनके मतलब कि खानदान की और गांव की लड़कियां थीं,
तो ये सब ने मतलब कि जो कुंवारी लड़कियां थी तो ये यहाँ बाहर जो है दातुन सर के ये यहीं इसको नहलाया जाता है। और ये पता नहीं कैसे कुल्हड़ में पंडित जी पानी मतलब कि पत्ते आम के पत्ते से छिड़क के फिर वही कुल्हड़ का पानी जो है इसके शरीर पे गिराया गया। जितनी भी कुंवारी लड़कियां थी सब सबके हाथों में ये मतलब कि इसी से नहलाया गया कुल्हड़ से। तो सब लोग नंबर वाइज ऐसे किए थे, ये एक रस्म होती है फ्रेंड्स। तो मतलब हमारे यहाँ ऐसे ही होता है। तो ये देखिए जो है लड़कियाँ ना ये लोग बहुत एक्साइटेड थी वीडियो में आने के लिए, तो मैंने सोचा कि चलो आ जाओ तुम लोगों का भी मैं वीडियो बना लूँ। तो यहाँ देखिए जो है अब ड्रेस इसका चेंज हो गया है। और यहाँ देखिए बुआ ने जैसे शादी के टाइम दूल्हे को मंडप में तैयार किया जाता है ना उस टाइप का, यहाँ जो है बुआ जो है इसकी कंघी वंगी कर रही थी। और आप यकीन मतलब इतना हंसी आ रही थी मुझे, काजल नहीं मिल रहा था। आज का तो ऐसा काजल तो कोई करता लगाता नहीं है, तो मतलब कि ऐसा लगने का था काजल तो मेरे पास, तो मैं वही दे दी हूँ। तो इनकी जो बुआ है ना वो पेंसिल वाला काजल जो आता है ना लक्मे का, तो उसको लगा रही थी और ये लग ही नहीं रहा था इनसे, तो मुझसे कह रही है तो लग ही नहीं रहा क्या, वैसे शुभ कर दीजिए काजल है। तो यहाँ देखिए फिर से अब दोबारा जो है मतलब कि जीजा जी और भैया और ये और चाचा जी ये लोग मतलब चार लोग मिलके जनेऊ पहनाए। तो ये देखिए फिर से चार लोग आ गए हैं और फिर से इसको जनेऊ पहनाएंगे। और जनेऊ पहनने के बाद अब इसको क्या होगा फ्रेंड्स ना, अभी हमेशा जनेऊ पहनना रहेगा, जनेऊ निकालना नहीं होता है जनेऊ संस्कार के बाद। ये यज्ञोपवीत संस्कार का नियम यही है कि जब भी जनेऊ मतलब बच्चे पहन लेते हैं तो इसको निकालना नहीं होता है, हमेशा शरीर पे इसको धारण करना पड़ता है फ्रेंड्स, और इसका बहुत ही ज़्यादा नियम कानून है। तो ये था यज्ञोपवीत संस्कार। और अब मतलब कि देखिए अब लगभग हो चुका है सबका, मुझे बहुत अच्छा लगा ये सब देख के। तो फ्रेंड्स देखिए पूजा पाठ तो कब का ख़त्म हो गया और सब खाना पीना खा के जैसे भैया भाभी ये लोग चले गए और उन लोगों को जैसे जाना था दूर तो उन लोग चले गए और उन लोगों के साथ नमन प्रियम भी मतलब कि मेरे दोनों बच्चे भी चले गए दो दिन के लिए, उसके बाद हमें भी जाना है ना, फिर दो दिन बाद दो दिन के लिए वो लोग पहले चले जाए, तो नमन प्रियम भी उन लोगों के साथ चले गए हैं। और अभी मैं यहीं हूँ और मतलब पिताजी अम्मा और ये मतलब हम लोग अभी हैं। तो फिर अभी ना जैसे ये है कि सबका खाना तो बाहर बन रहा है, हलवाई बना रहा है, लेकिन जैसे हमारे यहाँ क्या होता है ना कि जो गुरु मंत्र ले लेते हैं तो वो लोग मतलब कि बाहर का खाना हलवाई के हाथ का नहीं खाते हैं, तो उन लोगों के लिए घर में बनाया जा रहा है खाना। तो यहाँ कुछ भी नहीं बना है, तो फिर पनीर की सब्ज़ी मैं बना दी हूँ और आटा गूंथ दी हूँ। और ये देखिए दीदी जो है हमारी पूरी बेलने बैठी है, दीदी इधर देखिए पूरी बेलने बैठी है और मैं चल रही हूँ पूरी छानने। अरे सर्वेश मिल तो लो यार एक बार, चली हुआ है ये देखिए इसका भाव नहीं मिल रहा आज इसका भाव नहीं मिल रहा है, चले हो गया है हाँ। तो फिर पूछ ही नहीं रहा है कि मामी कैसे हो कैसी नहीं हो, इसलिए मामी भी अपने काम में घुसी है हाँ। तो फिर अब तुम्हें कब जाना है? 17 को वापस जाना है तो फ्रेंड्स देखिए अब चल रही हूँ, थोड़ा सा दिखा रही हूँ अम्मा को और जैसे चाची लोग बैठी है मैं दिखा रही हूँ। तो यहाँ देखिए फ्रेंड्स चाची बुआ लोग और अम्मा ये लोग ना दीदी लोग ये लोग बैठ कर आराम कर रही थी, तो मैंने सोचा कि थोड़ा सा इन लोगों को भी अच्छे से मिलवा दूँ। ये देखिए दीदी की बुआ है, ये लोग खूब हंस रही हैं कि हम लोगों का वीडियो बन रहा है। और ये है मतलब दीदी के यहाँ जो बर्तन वर्तन धोती थी और झाड़ू लगाती थी काम मतलब मेड है, तो मतलब कि इसको भी मैं दिखा दी। बहुत मतलब ये लोग बहुत ही अच्छा इन लोगों को लग रहा था कि मोबाइल में वीडियो में आने। और यहाँ देखिए खाने उने का स्टार लगा था, अब हम लोग निकलने वाले हैं फ्रेंड्स। तो अब हम जा रहे हैं और सब लोग खाना भी इनके घर वाले खा ही रहे हैं जो भी बाहर वाले हैं।
तो अब हम लोग निकलने वाले हैं और यहाँ देखिए अभी पूड़ियाँ बनी रही हैं, तो मैं बाहर से निकलते निकलते यहाँ की थोड़ा सा वीडियो शूट कर ली। तो अभी यहाँ देखिए पूड़ियाँ बाहर बन ही रही हैं और सब लोग अभी इनके गेस्ट लोग जो बाहरी आए हैं तो खाना पीना हो रहा है। और यहाँ दीदी जीजा लोग ये लोग आए हैं हम लोगों को छोड़ने, तो खूब सब लोग हंस रहे थे कि इनका वीडियो अभी तक बन रहा है। मतलब ये जो बर्तन धुलती थे ये बहुत, मतलब कि हम लोग टीवी में आएंगे मोबाइल में आएंगे, बहुत एक्साइटेड थी। तो बहुत मतलब कि मुझे भी हंसी आ रही थी। और यहाँ देखिए जो दीदी जो हैं मतलब बाहर का इनका रेंट पे जो किराया पे दिया गया है दुकानें ये सब, तो ये दुकानें बंद हो गई है साइड वाली, इधर की दुकान। तो फ्रेंड्स आ गए हूँ मैं घर और 50 किलोमीटर का सफ़र करके आई हूँ और वहाँ सुबह से उठ के मतलब कि जैसे कांटे में खड़े थे, एक सेकेंड के लिए बैठने की फुर्सत आज नहीं मिली थी। तो जाते ही हैं भाई, जब दीदी भी बेचारी अकेली ही थी, मतलब उनकी बेटी भी नहीं आई थी ना, अगर उनकी बेटी आई होती तो काफ़ी हेल्प मिल जाता। तो मतलब कि अब मिला जुला के मैं ही थी और काफ़ी भी जो आई थी मतलब मेरी जेठानी वो भी आई, मतलब कि बस फंक्शन में शामिल हुई उसके बाद चली गई। तो फिर ज़्यादा टाइम थी भी नहीं, दिन भर थी, शाम को चली गई थी। तो मुझे ही सब कुछ देखना था और दीदी तो भी बाहर का ही अपना मतलब व्यवस्था देख रही थी। तो फ्रेंड्स बहुत अच्छा लगा, मतलब लोग इतना प्यार दिए ना, सच में मुझे बहुत अच्छा लगा कि काम वो नहीं खलता है यार, लेकिन जैसे ना लोग इतना इम्पोर्टेंस देते हैं, इतना प्यार देते हैं, तो सच में आने के मतलब मैं आने लगी ना तो मुझे जैसे रुलाइस जैसे आ रही थी कि उन लोगों पर इतना प्यार देख रहे थे ना, उनकी दीदी की जो मतलब नंद थी और उनकी बुआ सास, उन्होंने बहुत ज़्यादा प्यार दी थी फ्रेंड्स। तो मुझे भी बहुत अच्छा लग रहा था वहाँ पे। और जीजा जी भी तुम्हारे बहुत ही, जितना मतलब की तारीफ़ की जाए ना जीजा जी की, वो बहुत ही अच्छे और बहुत ही जेंटल इंसान है फ्रेंड्स। तो बच्चे भी चले गए हैं भैया भाभी के साथ ना, तो फिर बिल्कुल भी जैसे घर आने के बाद ना एकदम सुना सुना सा लग रहा है, बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है। और मैं भी एकदम थक चुकी हूँ, अब चल रही हूँ, अब थोड़ा सा फ्रेश होंगी, उसके बाद फिर कुछ टाइम बाद खाना तो वहाँ खाई नहीं थी, खाना खाऊँगी। तो फ्रेंड्स आज का ब्लॉग मैं यही एंड करती हूँ। और प्लीज़ अगर मतलब कि वीडियो मेरा ब्लॉग अगर पसंद आता है तो यार प्लीज़ लाइक कर दिया करिए। और अगर मेरे साथ कोई मतलब मेरे ब्लॉग बनाने में अगर कोई कमियाँ रहती है तो उसको भी आप लोग बताया करिए, तो मैं आगे मतलब की कोशिश करूँगी कि वो कमी दूर करूँ। और जिस टाइप का आप लोगों को ब्लॉग चाहिए उस टाइप का आप लोग बताइए, तो फिर मैं कोशिश करूँगी उसी टाइप का ब्लॉग या वीडियो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी फ्रेंड्स। तो प्लीज़ आज का वीडियो अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए आए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। फिर मिलती हूँ किसी नेक्स्ट टॉपिक पे, आज के लिए मैं इजाज़त चाहती हूँ, तब तक के लिए फ्रेंड्स गुड बाय, सी यू, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो फ्रेंड्स, बाय बाय।